जासूस की मौत। ये कहानी है सुरेश नाम के एक प्राइवेट जासूस की, जो बड़े से बड़े केस को चुटकियों में सुलझा देता था और अपनी बुद्धि और शातिर दिमाग से सच्चाई को सामने ले आता था। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका नाम हो जाए तो आपके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। यही बात सुरेश के साथ भी हुई। अरे संजय, तुझे पता है ना, हमारा एक मकसद अभी बाकी है। शहर में हमारी नाम की दहशत तो है, पर हमेशा मेरे दिल में वो जख्म है। मेरे भाई को उस सुरेश नाम के जासूस की वजह से सारी उम्र जेल में रहना पड़ रहा है, और वही उसकी मौत हो गई। इसलिए मैंने कसम खाई है कि मैं सुरेश को भी मार दूंगा, लेकिन हमें उसके शातिर दिमाग के इंसान को उसी के जाल में फंसा कर मारना होगा। कुलदीप भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप फिक्र मत करो, हमारे चौकड़ी में एक नई शूटर आई है। इसका नाम टीना है। टीना, कहते हैं उसके निशाने से कोई नहीं बच पाया, उड़ते परिंदे तक को मार देती है। उसकी गोली की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता भाई। और इस सुरेश के लिए तो वो हमारी मदद करेगी। हाँ, थोड़े पैसे जरूर लेगी, लेकिन काम बराबर हो जाएगा। कल ही मुलाकात के लिए बुला लो उसे। याद रहे, इस बात की भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। संजय टीना को लेकर एक सुनसान जगह पर कुलदीप से मुलाकात करने ले आता है। तो तुम हो टीना? सुना है तुम्हारी गोली की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। हमें ऐसे ही शार्प लेडीज शूटर की जरूरत थी। हमारे धंधे में पहली बार होने जा रहा है कि कोई लेडी शूटर मेरा काम कर रही है। मेरे नाम की दहशत को तो तुम जानती ही हो। तो बस तुम्हें एक काम करना है। बोलिए बॉस, पैसे के लिए काम करती हूँ, पर काम मैं नहीं, मेरी बंदूक करती है। इस बार तुम्हें शहर के मशहूर जासूस सुरेश की हत्या करनी है। लेकिन वो भी बहुत शातिर है, वो ऐसे तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम्हें उसे प्रेम के जाल में फंसाना होगा। बॉस, आपने इशारा कर दिया और मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। कुलदीप और संजय टीना को एडवांस पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और फिर टीना सुरेश के ऑफिस में पहुंचती है। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं आपके साथ रहकर जासूस बनना चाहती हूं। क्या आप मुझे जासूस बनाएंगे? टीना की आंखों में देखकर सुरेश पहली नजर में ही उसकी सुंदरता में खो जाता है। मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करने पर। यहाँ पर दिमाग से काम करना पड़ता है, अपनी जान पर भी बना सकती है। हमेशा सतर्क रहना होगा, मेरे काम में खतरा बहुत है। कहीं किसी मोड़ पर मौत सामने आ सकती है, उसके लिए तो हमेशा तैयार रहना होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं मौत से नहीं डरती। आप सिर्फ मुझे जासूसी के तौर तरीके सिखा दीजिए, मुझे आपके साथ काम करने में मजा आएगा। टीना की शर्ट पर हमेशा एक माइक्रोफोन लगा रहता है, जिससे टीना और सुरेश की सारी बातें कुलदीप और संजय को पता चलती थी। टीना और सुरेश मिलकर दो तीन छोटे मोटे केस सुलझा देते हैं। और उसी दौरान सुरेश टीना से कहता है, टीना, तुम तो एक दो केस में ही बड़ी जासूस हो गई हो, मुझसे ज्यादा काम तुमने किया। तुम एक अच्छी जासूस बन सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल सर। मुझे सर मत कहा करो, मुझे सुरेश कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। कोई प्यार से मुझे सुरेश कहे, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी तुम्हारा सर कहना भी बहुत प्यार भरा होता है, पर तुम मुझे सुरेश ही कहा करो। सुरेश के मन की बात टीना ने जान ली और टीना सुरेश से कहती है, सर, कहीं आप मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? प्यार? प्यार तो मैं अपने काम से करता हूँ, पर तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं सर, फिलहाल तो मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है, पर एक अच्छी जासूस बनने के बाद मुझे आपका साथ देना अच्छा लगेगा, तब शायद मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। टीना और सुरेश की बातें कुलदीप सुनते हैं और कहते हैं, यार संजय, ये लड़की तो बहुत शातिर है,
इसने तो सुरेश को अपने जाल में फंसा ही लिया। लगता है हमारा काम जल्दी होने वाला है। संजय टीना को फोन करता है और कहता है, टीना कल तुम एक सुनसान जगह पर सुरेश को लेकर आओगी। बॉस जैसा आप कहें, मैं कल सुरेश को लेकर आ जाऊंगी। अरे टीना, इतनी सुबह सुबह आज बहुत जल्दी ऑफिस आ गई। सर आपको आज कोई काम तो नहीं है? हमें एक जगह जाना है एक नए केस के बारे में बात करने के लिए। टीना और सुरेश एक नए केस के सिलसिले में कुलदीप से मिलने आते हैं। सुरेश जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम ये बात पुलिस को भी बता सकते थे, लेकिन हम एक प्राइवेट जासूस की तलाश में थे। हमें एक प्राइवेट जासूस की जरूरत है, इसलिए आपको बुलाया है। आपको शहर के बाहर एक पहाड़ी जंगली इलाका है, वहाँ पर हमारा एक पुराना घर है। वहाँ एक आदमी घर पर कब्जा बनाए बैठा है। उसने जमीन के सारे पेपर कहीं छुपा दिए। बस उसे ही ढूंढना है आपको और उस घर से आपको कब्जा हटाना है। वो घर आज भी हमारा है, आपको वहाँ जाकर ये काम करना होगा। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए मामूली काम है। हम कल ही उस घर की तरफ निकलेंगे। कुलदीप और संजय सुरेश को कुछ एडवांस देते हैं। फिर दूसरे ही दिन सुरेश और टीना अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ी इलाके में जंगल की तरफ जाते हैं। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया है, कोई हमें यहाँ पे मार देगा तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा। उसी के लिए तो मुझे यहाँ भेजा गया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कौन हो तुम? सर फिलहाल तो मैं आपके लिए एक जासूस हूँ, लेकिन मैं कुलदीप के लिए काम करती हूँ। कुलदीप ने आपको मारने का प्लान बनाया है और आज मैं आपको मारने वाली हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। और कुलदीप मुझे क्यों मारना चाहता है? मरने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है, कुलदीप के भाई को आपकी वजह से सजा हुई थी और जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए कुलदीप ने मुझे भेजा है और मेरी गोली के निशाने से कोई नहीं बच सकता। ऐसा कहते ही टीना सुरेश पर फायरिंग कर देती है और सुरेश खून में लथपथ हो जाता है। कुलदीप और संजय टीना द्वारा चलाई गई गोली की आवाज सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। और फिर टीना कुलदीप के पास आती है। बॉस मेरा बाकी का पैसा? ये रहे सुरेश के खून के फोटो। उसकी मौत हो चुकी है, उसे मैंने जंगल में फेंक दिया है जंगली जानवरों को खाने के लिए। अब मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। टीना पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में पुलिस टीना को पकड़कर फिर से कुलदीप के पास आती है। इंस्पेक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं टीना के साथ? पुलिस को शक है कि सुरेश का खून मैंने तुम्हारे कहने पर किया है, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। हाँ ये बात सच है, इस केस के सिलसिले में मैंने सुरेश को जंगली इलाके में भेजा था पर हमने उसे नहीं मारा। कुछ दिनों से उसका पता नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हारे सब बहाने नहीं चलेंगे, हमें सब पता है। टीना के बैग से सुरेश के खून के फोटो मिले हैं, उस पर 6 राउंड फायरिंग हो चुकी है, वो मारा गया है। और आपने आपके भाई का बदला लेने के लिए टीना से ये काम करवाया? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही मारा है सुरेश को, उसकी वजह से मेरा भाई जेल गया और उसकी मौत हो गई। उसका बदला मैं लेना चाहता था उस सुरेश से, इसलिए मैंने टीना को उसे मारने के लिए भेज दिया। तभी अचानक पुलिस के पीछे से सुरेश आता है। सुरेश, लेकिन तू तो मारा गया था ना? अरे मरे मेरे दुश्मन, तुमने जब मुझे केस दिया था उससे कई सालों पहले मुझे पता था कि मेरे हर काम में खतरा रहता है, और इसलिए मैंने टीना को लेडीज शूटर बनाकर तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मुझे इस बात की भनक हो गई थी कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से तुम्हारी जाल में मैं फंस जाऊं। और टीना मेरी एक साथीदार है, यानी कि वो मेरी साथी है, वो भी एक जासूस है। तुमने मुझे जासूसी करने के लिए कहा था ना, पर मैंने खुद जासूस को तुम्हारे घर पर भेजा था। पर टीना की शर्ट तो हमेशा माइक्रोफोन लगा रहता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? हमें पता है टीना मुझ पर फायरिंग करने वाली है, मुझे मारने वाली है। जब ये सारी बातें उसने मुझे लिखकर भेजी थी, जो माइक्रोफोन में
कभी भी नहीं दिखती, समझे? जय, कुलदीप और संजय को सुरेश के खून करने की कोशिश करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और फिर सुरेश टीना से कहता है, कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए हमें खुद को बुराई के खाई में झोंकना पड़ता है।